हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आदि गिद्रा। तो हम इसी के नाम आपको ले आए हैं ऑनलाइन क्लास। तो मैंने जैसे कि आपको बोला था, प्लीज बहुत अजमा हमारी वीडियो आती रहेंगी। तो आज की हमने प्लान में पढ़ने वाले आप कैसे हाउ टू क्रिएट अ न्यू कॉम्पिटिशन इन आफ्टर इफेक्ट, मतलब नई फाइल कैसे बना सकते हो अभी आफ्टर इफेक्ट में। तो ज्यादातर लोगों को ये भी सवाल उठता है, लेकिन उनको लोग तो बना तो उनको आफ्टर इफेक्ट पूरा आता है, लेकिन वो कॉम्पिटिशन नहीं बना पाते, वो कैसे बनाएंगे आज की वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ। और जो भी अभी न्यू आए चैनल पर, प्लीज लाइक कर दे मेरी वीडियो को, और प्लीज अपने नेबर्स, अपने फैमिली, अपने नेबर्स, अपने दोस्तों के लिए मेरी वीडियो को शेयर भी कर दे। तो बस यहीं तक बोलना था। तो जनरल वेब एक सब्सक्राइब भी नहीं है, सब्सक्राइब कर दे प्लीज, मेरे दो के कटवा दे, बहुत करीब हूँ मैं दो के ओके। तो यहीं तक बोलना था, चलेंगे स्टार्ट करते हैं। सिंपली अपना आपको दिखा दूँ, तो मैं आपको सिंपली मैंने अपना तरीके खोल लिया है। तो मैम न्यू कॉम्पिटिशन आपको, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कॉम्पिटिशन कैसे बनाते हैं। सब मैंने जैसे आपको शुरू में मैंने आफ्टर इफेक्ट शुरू में चलाया, तो जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे कॉम्पिटिशन आप कैसे बना सकते। तो सबसे पहले जैसे आपके पास आएंगे, आप जैसे आफ्टर इफेक्ट खोलेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, न्यू कॉम्पिटिशन फ्रॉम फुटेज, न्यू कॉम्पिटिशन। आप लोग को इसे रॉन्ग कर दो, इसे आपको नहीं लेना, आपको लेना न्यू कॉम्पिटिशन को। अगर आप फुटेज का खुद बना रहे हैं, तो अगर आप फुटेज का खुद बना रहे हो तो आप न्यू कॉम्पिटिशन फुटेज को। तो जैसे ही आप फुटेज खोलेंगे तो आपके पास कितने ऑप्शन आएंगे, पहले पास आएगा आपको पास कॉम्पिटिशन नेम, मतलब आपको अपनी कॉम्पिटिशन का नेम, मतलब और कॉम्पिटिशन का आपको मतलब बता दूं आफ्टर इफेक्ट में, इसका मतलब आपको फाइल आप कैसे बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं कॉम्पिटिशन का नाम दे देता हूँ, जैसे के आप दे दें, हम कोई सा भी नाम दे सकते हैं। अभी मैंने दे दी आफ्टर इफेक्ट। तो यहाँ पे जैसे ही आप आफ्टर इफेक्ट दे देंगे, तो जैसे ही आप फाइल बनाएंगे आफ्टर इफेक्ट कुछ के ऊपर नाम लिखा हुआ आ जाएगा, जब आप रेंडर करेंगे अपनी फाइल तो वो आफ्टर इफेक्ट के नाम की रेंडर होगी। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आते हैं HTTPS, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन आपको मैं चाहूंगा आप यूज करें HDTV 1080। ओके, तो मैं ये यूज करता हूँ, आप भी यही यूज करें मैं चाहूंगा। और यहाँ पे इसकी विड्थ आएगी, मतलब जो आपके पास पूरा आउटपुट आएगा कॉम्पिटिशन का, उसकी आप विड्थ क्या लेना चाहते हैं और उसकी हाइट क्या लेना चाहते हैं आप। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इधर से स्क्वायर पिक्सल जाते हैं, मैंने स्क्वायर पिक्सल पे लिखा है, इसको मैंने चेहरा नहीं है जितना था उस पे रखा है। और आप विड्थ बढ़ा भी सकते हैं, लो भी सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं, आप अपना चाहें जो ले सकते हैं, लेकिन 19 ऐसे आप कोई भी देख सकते हैं, बड़ा है, हाइट, वेट, जो भी चाहिए आप जा सकते हैं। तो मैं आपको 80x720 आप ऐसे भी देख सकते हैं, स्क्वायर पिक्चर पे मैंने रखा हुआ जैसे कभी बताया। तो मैंने आपको फ्रेम रेट आप कितना रखे, ऑलमोस्ट 29.97 आप फ्रेम रेट, और शायद ड्रॉप फ्रेम करें, नॉट ड्रॉप फ्रेम मत करें। ओके, तो यहाँ पे आता है रिलेशन, मैंने यहाँ पे लिखा मतलब आपका जो वो होगा, जो आपकी वीडियो का मतलब वो होगा, तो आपको वो आपका हाफ आए, आपकी जो आप रेंडर करोगे तो वो हाफ आए, थर्ड आए, ये क्वार्टर आए, मैंने इसको लिखा हुआ फुल, मतलब फुल आए, जो भी मैं बनाऊ वो पूरी फुल आए, मतलब जैसे कि मैंने रेंडर किया तो वो आपने हाफ पे किया होगा, तो आप रेंडर करेंगे आपकी चीज बड़ी होगी तो वो लेकिन हाफ आएगी। अगर आप अपनी वीडियो पे थर्ड पे करेंगे तो वो थर्ड आएगी, अगर आप क्वार्टर पे करेंगे तो क्वार्टर तक आएगी, लेकिन मैंने फुल किया हुआ मतलब वो पूरी वीडियो जितनी भी मेरी बड़ी हो वो फुल ली है। यहाँ पे मैंने स्टार्ट टाइम कोड मैंने इतना रखा हुआ नहीं है, इस पे आप ना छेड़े, यहाँ पे स्टार्ट टाइम कोड मैंने 0 भी लिखा है, 0000 और ड्यूरेशन। और यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन मांगते हैं, जैसे कि मांगते बैकग्राउंड कलर, मतलब जो हम कॉम्पिटिशन बनाएंगे उसका बैकग्राउंड कलर क्या आप देना चाहते हैं। यहाँ पे आप कोई सा भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग, तो मुझे पता ही है, ज्यादातर लोग तो व्हाइट ही कलर यूज करेंगे, क्योंकि हर चीज तो व्हाइट नहीं करते हैं, लेकिन ब्लैक भी, मतलब आपको फुटेज बनानी है तो आपको ब्लैक ही यूज करनी है ना, अब ब्लैक नहीं मतलब आप कोई सा भी तो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कलर कोड भी आ सकते हैं, तो आप यहाँ पे कोई सा भी कलर कोड भी चेंज कर ले सकते हैं और लगा भी सकते हैं। जैसे कि आप गूगल पे गए, आपको गूगल पे जाके कोई सा भी आपको कलर पसंद आएगा, कलर आप कोड पेस्ट कर देंगे तो वो इजी से आपके पास वो कलर शो हो जाएगा। तो ये आप ये देख सकते हैं, इतने सारे कलर है, और यहाँ पे इतने सारे कलर आते हैं, HPB, B, RGB, यहाँ पे इतने सारे इसको आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसे लिखा हुआ है सिर्फ H पे, आप ज्यादातर लोग RGB भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको H पे लिखा हुआ है।
और इसमें एक और अच्छी बात है, यहाँ पे इसमें यूज होता है आई ड्रॉपर टूल, यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल भी यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। जैसे कि मैं इसका कलर है ग्रे बल्कि पर्पल, अब जैसे मैं नीचे लेके जाऊंगा अपना माउस देख सकते हैं पूरा पर्पल आ रहा है यहाँ पे भी। अब जैसे कि देखेंगे मैं अपना माउस नीचे लाया हूँ फिर भी पर्पल आया है, और यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं इतने सारे कलर ही आपके पास आते रहते हैं मुख्तलिफ। तो मैं जैसे कि गूगल पे गया, गूगल पे तो यहाँ पे आपने ये ले लिया मैंने, अब मैं जैसे ही यहाँ पे जाऊंगा लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे इस पे नहीं होगा आपका। जैसे मैं आप ही आपने ये वाला कलर ले लिया, इस पे नहीं होता गूगल पे। जैसे मैं आगे रख गया, मैंने ये कलर लिया आगे रख गया, ये ऐसा नहीं होगा आपका। जैसे आप यहाँ पे रख गए, मैं आगे रख गया, ये देख सकते हैं ऐसा नहीं होगा आपका। आप बस यहाँ की विंडो विंडो पे आपके जो कलर रहेंगे आप ऐसे देख सकते हैं, और ये नीचे का कलर ये भी आप बदल सकते हैं, ना चाहे नहीं बदल सकते। आप जैसे ही बैकग्राउंड पे जाएंगे नीचे से जाके कलर्स का ऑप्शन आ रहा होगा, आप बदल सकते हैं इजी से। और यहाँ की तरफ से मैं यहाँ से आप बहुत सारे कलर बदल सकते हैं, लेकिन अभी मैं छेड़ता नहीं हूँ करना। तो ये आप देख सकते हो जैसी, अब मैंने सब तो बता दिया, अब आप कॉम्पिटिशन बनाएंगे। जैसे कि मैंने जैसी कॉम्पिटिशन बनाई तो ये आप देख सकते ये आफ्टर इफेक्ट के नाम की कॉम्पिटिशन बन गई है। अब जो रेंडर भी होगी वो भी आफ्टर इफेक्ट के नाम की ही रेंडर होगी। और यहाँ की तरफ से आप जब जाए आपको मुझे चाहिए भाई, मुझे एक कॉम्पिटिशन नहीं चाहिए, मुझे दो कॉम्पिटिशन चाहिए। अब न्यू कॉम्पिटिशन पे जाए, यहाँ पे मैंने लिख दिया आफ्टर इफेक्ट सेकंड, ये सेकंड आ गई। अब मुझे एक और चाहिए भाई, मुझे एक और चाहिए, यहाँ पे गए आफ्टर इफेक्ट थ्री। और मैं चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा नाम दे अपनी जो चीजें बना रहे हो, वरना आपको ढूंढना पड़ता है चीजें। तो ये आप ये देख सकते हैं, यहाँ मैं न्यू फोल्डर भी बना सकती, मैंने फोल्डर का नाम दे दिया जैसे कि आफ्टर इफेक्ट। और आप ये ध्यान भी रखा करें, जैसे कि मैंने आफ्टर इफेक्ट का बनाया, इसके अंदर सारी आफ्टर इफेक्ट की चीजें। अब इधर मैं हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया आर बी, यहाँ पे हम गए यहाँ पे हमने लिख दिया आर बी, और फिर यहाँ की जब गए फिर मैंने न्यू फोल्डर बनाया। आप इसका इस फोल्डर के अंदर आपको ये भी मोस्ट श्योर होना चाहिए, इसके अंदर सारे सारी चीजें आर बी की, इसके अंदर सारी चीजें आफ्टर इफेक्ट की, जो आप ये देख सकते हैं। और इसके अंदर आप कुछ भी अच्छी अच्छी आप कॉम्पिटिशन भी ला सकते हैं, मैं मना नहीं करता, आप कॉम्पिटिशन भी ला सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसका कलर दे दिया, अरे डेंटा ब्रश किया तो यहाँ भी देख सकते हैं कॉम्प वन बन गया आ गई, और मैं एक और बनाऊंगा तो कॉम्प टू बन गया आ गई। लेकिन आपको ये भी शो होना चाहिए कॉम्प है कौन सी कॉम्प मैंने बनाई, क्योंकि आप जब काम करते हैं तो आप थोड़ा सा भूल जाते हैं, लेकिन वो भी याद होना चाहिए। तो ये आज की वीडियो का टॉपिक था कॉम्पिटिशन, कैसे आप बीजी से बना सकते हैं, उसकी सेटिंग, उसके सेटिंग भी मैंने आपको बताई है बिल्कुल उसकी। तो आज की वीडियो में हमने सीखा है कॉम्पिटिशन, तो इंशाल्लाह जो अगली सी वीडियो आएंगी वो भी हम सीखेंगे एनिमेशन की, लेकिन अभी आपको बेसिक चीजें वो तो सीख लें, फिर आपको एनिमेशन पे आप जरूर आएंगे। अभी तो बेसिक चीजें वो तो सीख ली, ये भी बिल्कुल बेसिक चीज थी कॉम्पिटिशन के, जो बना सकते हैं आप भी आफ्टर इफेक्ट में, मतलब कॉम्पिटिशन तो बच्चे बच्चे को आती है लेकिन सेटिंग उसकी नहीं आती। तो आज की वीडियो में यही टॉपिक था, आप किसी कॉम्पिटिशन कैसे बना सकते हैं वो भी आफ्टर इफेक्ट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमेशा की तरह ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।